देख रहे हैं दखल न्यूज। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांधी जी ने किसानों की सेवा की। जिनके साथ चंपारण में भेदभाव हो रहा था, उन मिल मजदूरों की सेवा की जिन्हें सही मजदूरी नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने गरीब, बेसहारा और कमजोर लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना। पीएम ने कहा, गांधी जी ने सेवा शब्दों में नहीं की, जी करके सिखाई थी। सत्य के साथ गांधी जी का जितना अटूट नाता रहा है, सेवा के साथ भी उतना ही अनन्य अटूट नाता रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, तो इस मौके पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा, कल हिंदुस्तान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। मित्रता कैसी हो तो सुदामा वाली घटना कौन भूल सकता है, और युद्ध भूमि में इतनी सारी महानताओं के बावजूद भी सारथी का भार स्वीकारना कोई कल्पना कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्व होगा उनका, कि आज हजारों साल के बाद भी समस्याओं के समाधान के लिए कृष्ण का उदाहरण दे सकते हैं। हर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन से वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे, तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने मैन वर्सेस वाइल्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत का संदेश, उसकी परंपरा, संस्कार यात्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, इन सारी बातों से विश्व को रूबरू कराने में ये एपिसोड बहुत मदद करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीएम ने कहा, यह न्यू इंडिया है, हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं। हमने 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी कर दी थी। भारत में बाघों की संख्या ही नहीं, बल्कि संरक्षित इलाकों और कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी बढ़ी है। भारत में बाघों की आबादी 2967 है। उन्होंने कहा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। एम्स में 9 अगस्त से भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का शनिवार की दोपहर निधन हो गया। अरुण जेटली का पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1 बजे तक भाजपा मुख्यालय में उनके अंतिम दर्शन लोगों ने किए। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर घर से भाजपा मुख्यालय लाया गया था। उनकी शव यात्रा भाजपा मुख्यालय से निकलकर करीब 1 बजे निगम बोध घाट पहुंच गई थी। निगम बोध घाट पर उनके राजनीतिक साथी और विरोधी दोनों ही मौजूद थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित भाजपा के कई नेता वहां मौजूद थे। उनका पार्थिव शरीर एक तोप गाड़ी में रखा गया था, जिसको सेना के एक ट्रक से खींचा जा रहा था। ट्रक पर उनके पुत्र और परिवार के दूसरे खास सदस्यों के साथ कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता सवार थे। राजधानी के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई अंतिम यात्रा निगम बोध घाट की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। रास्ते में हर कोई अपने प्रिय नेता को विदाई देने के लिए खड़ा था। अंतिम यात्रा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता और शुभचिंतक चल रहे थे। निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे रोहन ने अरुण जेटली को मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां तेज आंधी और बारिश हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस समेत कई बड़े नेताओं ने जेटली के घर पर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा, एन
सीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, आरजेडी नेता अजीत सिंह और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अरुण जेटली के घर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी अरुण जेटली के घर पहुंचे और अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। अभी कुछ ही दिनों पहले पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने ही अपनी देह त्याग दी थी। चार राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके लिए संपूर्ण कार्यक्रम चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। ये चुनाव छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में होंगे। मतदान 23 सितंबर को होगा और मतगणना 27 सितंबर को होगी। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पाला, त्रिपुरा की बदरघाट और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये उपचुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है, जगह जगह भ्रष्ट लोगों का बोलबाला है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक केपी सिंह का। कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का नारा जरूर दिया, लेकिन आपकी सरकार मध्य प्रदेश में कुछ भी बदलाव नहीं कर पाई। आपकी सरकार के सीनियर मंत्री गोविंद सिंह खून के आंसू रो रहे हैं। उनका कहना है अवैध उत्खनन रोकने के मामले में मैं अपनी ही सरकार में हार गया। कमलनाथ जी ये तो वो दमदार लोग हैं जो डंके की चोट सच बोल रहे हैं। ऐसे कई विधायक और मंत्री हैं जो आपकी सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं। अब आप आंख खोलकर इस दृश्य को देख लें। ये है आपकी पुलिस के लोग, इन्हें रिश्वत के माल का बंटवारा करना है सो दरवाजा बंद करवाया जा रहा है। ये जो वर्दीधारी है इसका नाम एसएन पाठक है। ये जबलपुर के पाटन का एसडीओपी है। इन साहब का ये वीडियो सामने आया तो पुलिस महकमे को करंट लग गया कि जो कमरों के भीतर होता है वो बाहर कैसे आ गया। पाठक रिश्वत के रुपयों की पूरी लिखा पढ़ी डायरी में करते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। अब इनकी भी बात सुन ले। मुख्यमंत्री जी, पुलिस में घूसखोरी की परंपरा का पालन करने वाले इस अधिकारी एसएन पाठक के साथ ये उन्हें पैसे देने वाला दूसरा घूसखोर है। आरक्षक देवेंद्र जाट है। पुलिस में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और आपके साथी तो वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, जो बदलता दिख नहीं रहा। इस मामले में जबलपुर के एसपी ने छोटी मछली आरक्षक को तो सिर्फ निलंबित किया और एसडीओपी पाठक को छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी, ये सारा पैसा काला खेल अवैध उत्खनन का ही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप जिस शुचिता की बात करते हैं तो ऐसा कुछ कीजिए कि इन जैसे लोगों को रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचना पड़े। ऐसे लोगों पर ऐसी सख्त कार्रवाई कीजिए कि ये लोग आप पर और आपकी कांग्रेस सरकार पर बदनुमा दाग ना बन पाए। दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी मिलिट्री प्लाटून नंबर 24 के डिप्टी कमांडर बुधरा उर्फ नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बुधरा कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा। बुधरा ने 2010 में कांग्रेस नेता अवधेश गौतम के घर में हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए थे। 2012 में किरंदुल के सीआईएसएफ बेलेरो वाहन को ब्लास्ट कर बुधरा ने उड़ा दिया था जिसमें ड्राइवर समेत 7 जवान शहीद हो गए थे और इनमें 6 AK-47 हथियार लूट लिए गए थे। ऐसी ही कई वारदातों में बुधरा शामिल था। बुधरा के आत्मसमर्पण को पुलिस सबसे बड़ी सफलता मान रही है। सरेंडर नक्सली से नक्सलियों के बारे में कई जानकारियां निकाली जा रही हैं। इंदौर के सफाई कर्मचारी गोगा नवमी के मौके पर अवकाश पर थे, ऐसे में शहर साफ करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। इंदौर के लोगों का सफाई के प्रति जुनून देखने लायक था। सुबह 7 बजे से ये लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में जुटे और प्रमुख स्थानों और सड़कों की सफाई की। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि सफाई कर्मियों की छुट्टी पर होने से शहर की सफाई प्रभावित ना हो और सफाई के क्षेत्र में बनी इंदौर की पहचान बनाए रखे।
इसके लिए संगठनों से आग्रह किया गया था कि वे एक दिन सुबह 2-3 घंटे का समय शहर के लिए निकालें। इस दौरान सुबह खुद निगम आयुक्त और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी सफाई अभियान में शामिल हुए। निगम आयुक्त ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठकर स्वच्छता सर्वे 2020 की तैयारियां युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। सिटी बस ऑफिस में हुई बैठक में उन्होंने स्वच्छ सर्वे की स्टार रेटिंग के मापदंड और बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि निगम स्वच्छता का चौका लगाने के लिए सारी तैयारियां पूरी रखे। इस बीच गोगा नवमी का मसला आया तो शहर के विभिन्न सामाजिक व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधि, निजी कंपनियों के कर्मचारी, बैंक कर्मी, छात्र छात्राएं, रहवासी संगठन और एनजीओ प्रतिनिधियों ने खुद सफाई का मोर्चा संभाल लिया और पूरे देश को स्वच्छता को लेकर एक खास संदेश भी दिया कि आम लोग चाहें तो चुटकी बजाते ही पूरा शहर साफ हो सकता है। अगले 36 घंटों तक मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कुछ इलाकों में तेज तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। भोपाल में भदभदा और कलियासोत डैम के गेट को खोलने और बंद होने का सिलसिला चल रहा है। वहीं इटारसी में तवा डैम के सभी 13 गेट खोले गए हैं। प्रत्येक गेट को 14-14 फीट खोलकर 2,96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 3 साल बाद तवा डैम के सभी गेट खोले गए हैं। तवा के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय प्रदेश के तकरीबन अधिकांश तालाब और बांध लबालब हो गए हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया कि वर्तमान में ओडिशा कोस्ट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम में पिछले दिनों विदर्भ पर सक्रिय ऊपरी हवा का चक्रवात भी शामिल हो गया है। मानसून ट्रफ रीवा से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुजरात के दक्षिणी भाग पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इस सिस्टम के कारण अरब सागर से बड़े पैमाने पर नमी के आने का सिलसिला जारी है। ओडिशा कोस्ट पर बने सिस्टम और गुजरात पर बने चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही हवाओं का मध्य प्रदेश के ऊपर टकराव हो रहा है। शुक्रवार रात के बाद से बनी इस स्थिति के कारण ही पूरे देश में तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरफ की स्थिति अभी 2-3 दिन तक ऐसी ही बनी रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशंका है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूर बसा ग्राम बेलडिप्पा के बच्चे इन दिनों स्कूल जाने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यह सिलसिला साल में 4 महीने चलता है। इन बच्चों के लिए स्कूल जाना और वहां से वापस आना किसी जोखिम से कम नहीं है। घरघोड़ी और बेलडिप्पा के बीच एक नाला पड़ता है। इस नाले को जरकट नाला के नाम से जाना जाता है। इसमें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुल बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, परंतु यह दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के 73 वर्ष के बाद भी कोई नेता और अधिकारी यहां एक छोटा सा पुल तक नहीं बनवा सका। बारिश में पानी आते ही नाला उफान पर आ जाता है और इस पर एक रस्सा बांधा जाता है। फिर लोग बच्चों को पीठ पर बैठाकर नाला पार करवाते हैं और अगर कोई बड़ा साथ ना हो तो बच्चों को खुद ही उफनता नाला पार करना पड़ता है। इन ग्रामीणों की मांग को आज तक किसी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने नहीं सुना। बारिश के दौरान यह गांव एक टापू के रूप में बन जाता है। ग्रामीणों में इस बात का भय हमेशा बना रहता है कि किसी प्रकार की कोई हादसा ना हो जाए। क्या किसी थाने की कुर्सी कलंकित हो सकती है? बीते कुछ सालों में जो भी थानेदार आया उसे किसी ना किसी वजह से कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और खुद की वर्दी पर भी बदनामी का दाग झेलना पड़ा। यह जानकर आपको भी हैरानी होगी, पर यह सच है। यह गाडरवारा थाना है। नरसिंहपुर जिले का यह थाना आपराधिक मामलों में सबसे संवेदनशील माना जाता है। अवैध खनन, जुआ, सट्टे का कारोबार और चोरी लूट की वारदात यहां आम बात है। पिछले 1.5 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 17 मामले अवैध खनन, 2 बड़े घोटाले, 4 अपहरण, 9 हत्याएं, 11 महिला संबंधी अपराध और जुआ एक्ट के तहत 19 मामले दर्ज हैं, जिनकी कार्रवाई के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई और थाने में पदस्थ लगभग हर थानेदार को किसी ना किसी वजह से लाइन अटैच कर दिया गया। देखिए, गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर जिले का सबसे बड़ा सब डिवीज़न है, संवेदनशील स्थान है। ये कोइंसिडेंस है, जैसा कि आपने बताया कि 12 लोग वहाँ से लाइन अटैच होकर हटे। लाइन भी एक पोस्टिंग है और पुलिस की नौकरी जो है बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हर तरीके से, चाहे वो लाइन ऑर्डर हो, चाहे वो लिखा पढ़ी हो, जनता से अच्छा व्यवहार हो, गुंडे बदमाशों में खौफ हो, संयोग में मानता हूँ कि वहाँ से जो भी हटे हैं वो लाइन आए हैं,
कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई गलती करी होगी या इनका कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण इनको लाइन आना पड़ा। आइए नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर। यहाँ पदस्थ थानेदार आरडी मिश्रा 2011, पीएस ग्रेवाल 2011, शैलेश मिश्रा 2013, उमेश तिवारी 2015, मुकेश खंपरिया 2016, अरविंद दुबे 2018, संजय दुबे 2019, अरविंद चौबे 2019, रामफल गोंड 2019 गाडरवारा टीआई के पद से हटाए जा चुके हैं। इसे लेकर खुद जिले के एएसपी बताते हैं कि एक दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों को लगातार हटाया गया है। हालांकि इसके पीछे वे इन प्रभारियों की कर्तव्य निष्ठा में चूक होना बता रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें हटाया गया है। और यही भय नरसिंहपुर में पदस्थ हर नगर निरीक्षक को सताता है कि कहीं उनके हिस्से में यह कांटे भरी कुर्सी ना आ जाए। सागर में एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही यह युवती जेल विभाग में पदस्थ पुलिस प्रहरी है। युवती का आरोप है कि 6 जून को मुरैना के रहने वाले रवि शर्मा, अवधेश शर्मा और रामनिवास शर्मा ने एक मामले में विश्वविद्यालय उसे चर्चा के लिए बुलाया था, जहां कुछ दूरी पर एकांत में ले जाकर आरोपी द्वारा युवती से दुर्व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी गई। बड़ी मुश्किलों से वे वहां से इन लोगों की गिरफ्त से निकलकर अपने घर पहुंची। युवती इस घटना से इतनी सहम गई थी कि डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर आरोपियों द्वारा लगातार उसे अलग अलग नंबर से फोन कर घटना को लेकर धमकाया जाने लगा, जिसके चलते उसने अपने मंगेतर को इसकी जानकारी दी और कुछ दिनों बाद घटना की रिपोर्ट का आवेदन थाना सिविल लाइन में दे दिया। उपनिरीक्षक वर्मा ने शिकायत को फर्जी बताकर उसका आवेदन फाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद इस मामले में आईजी के पास गुहार लगाई गई। बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो कायम कर ही लिया गया, पर विवेचना के नाम पर थाना पुलिस द्वारा टाल मटोल कर अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पीड़िता के मुताबिक इस मामले में आरोपियों में से एक व्यक्ति चंबल रेंज की कमिश्नर का रिश्तेदार है, जिसके चलते पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से किनारा कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कहती, सर यही बोल देती है कि हम देख रहे हैं, फिर भेजाएंगे, टीम भेजाएंगे, और आज दिनांक तक कोई टीम नहीं भेजाई हुई है, क्योंकि वो रेणु तिवारी चंबल की कमिश्नर मैडम है, उनके भतीजे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सब मदद, और एसपी सर भी मुरैना से आए हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जानबूझ के कार्रवाई करना नहीं चाहिए। पीड़िता के मुताबिक इस सिलसिले में उसके द्वारा कई बार पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई गई, पर मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोपियों की हौसले बुलंद हैं और वे पीड़िता पर दबाव बनाकर उसे परेशान कर रहे हैं। पीड़िता ने इस मामले में आरोपियों द्वारा उसके कुछ फोटो को भी वायरल कर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान है और मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द उचित कार्यवाही नहीं जाने पर आत्मघाती कदम उठाने की बात कह रही है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी राजेश व्यास ने युवती के पुलिस पर दबाव के तहत कार्रवाई नहीं करने के लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मामले में पुलिस की विवेचना जारी है, जहां जल्द ही इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। पुलिस ने जो भी तथ्य आए हैं वो उन तथ्यों के आधार पर कर रही की है, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, और आगे भी हमने उनको अभी भी बोला है कि जो भी तथ्य यदि उनको ऐसा लग रहा है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है वो हमारे सामने लेकर आए, और हमारे इनके कहने पर हमारे द्वारा जो विवेचक है उसको भी परिवर्तित कर दिया गया। तो विवेचना तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ हो रही है, और इनकी पूरी बात को सुना जाएगा क्योंकि वो ग्वालियर व्यापार मेला मैदान के पास विवेक बिहार में एक युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी मिली। मकान भाजपा नेता रामेश्वर भदौरिया का बताया जा रहा है। रामेश्वर के बेटे हरेंद्र भदौरिया के मुताबिक भिंड के रहने वाले धर्मेंद्र उर्फ धर्मवीर तोमर ने शुक्रवार को ही उनके मकान में किराया से कमरा लिया था। धर्मवीर सिंह तोमर ने हीरेंद्र को फोन कर कहा कि उसकी पत्नी से कमरे में जाकर किराया ले ले। जब हीरेंद्र किराया लेने पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था, और आवाज लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो उसने धर्मेंद्र को फोन लगाकर बता हालत की
अवगत कराया। इसके बाद हिरेंद्र ने पुलिस को सूचना देना उचित समझा। कुछ ही देर में थाटीपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो रसोई में फांसी से लटकी हुई आरती शर्मा और आरती तिवारी की लाश नजर आई। पुलिस ने धर्मवीर तोमर को फोन लगाया लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचा। नहीं नहीं, ये सिर्फ ऐसे किराए पर मैरिड फैमिलीज को देते हैं। ये परसों शाम को आए थे और इन्हों को मैंने वो एसपी जो किराए का फॉर्म होता है एसपी ऑफिस में जमा होने वाला वो दे दिया था। तो उन्होंने कहा मैं डॉक्यूमेंट कल शाम तक दे दूंगा। अभी उनका सुबह फ़ोन आया कि आप रेंट जाके ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं शाम को ले लूँगा। उन्होंने नहीं, आप अभी जाके ले लीजिए, मेरी विशेष कहीं निकल रही है। मैंने आके गेट बजाया तो गेट नहीं खुला। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने गेट नहीं खुल रहा है। तो उन्होंने बोला गेट तोड़ दो। मैंने मैं नहीं तोड़ूंगा और मैंने पुलिस को सूचना कर दी। प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस ने एक कमरे की तलाशी ली तो पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें आरती ने अपने दो बच्चों को छोड़कर आने पर अफसोस जताते हुए आत्महत्या की बात लिखी और किसी को भी दोषी नहीं ठहराए जाने की भी बात कही। इसके अलावा उसके दो आधार कार्ड मिले हैं जिनमें इंदौर का पता लिखा हुआ है। पुलिस सुसाइड नोट और मौके पर मिले मोबाइल की पड़ताल कर रही है। समझा जाता है कि आरती ने मरने से पहले मोबाइल पर अपनी क्लिपिंग बनाई थी। मौके पर उन्होंने जब खटखटाया तो गेट बंद था अंदर से। खिड़की से देखा तो अंदर उसकी मैसेज फांसी पर लटकी हुई थी। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर आकर सोनू को भी फ़ोन लगाया। वह ना तो आ रहा है ना अपना नाम बता रहा है ना इसका नाम एग्जैक्ट बता रहा था कि ये कहाँ की रहने वाली है। उसमें ये लिखा है कि मेरे बच्चे को मैं छोड़ के जा रही हूँ इसलिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। बच्चे कौन है क्योंकि इस मौके पर तो कोई बच्चे हैं नहीं। और इस संबंध में जब इसकी पुष्टि हो जाए कि ये आरती तिवारी का बैकग्राउंड क्या आया, ये आरती तिवारी है नहीं, तभी अपन इसमें आगे। भोपाल के जवाहर चौक स्थित बारह दफ्तर पर साहू समाज के लोगों ने मां कर्मा देवी साहू समाज भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने साहू समाज के लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको शॉल और शिफल से सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए साहू समाज के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साहू समाज के महासचिव चंद्र मोहन साहू ने बताया कि साहू समाज भवन का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। यह भवन सभी के सहयोग से बना है। भवन के निर्माण में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है साहू समाज ने उनका भी सम्मान किया। जिला साहू समाज भोपाल द्वारा आज माँ कर्मा देवी भवन का लोकार्पण समारोह है। 2016 से श्री आरसी साहू जी अध्यक्ष जी का ये कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। तब से उन्होंने अथक प्रयासों के द्वारा यह भवन को खड़ा किया है जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा हुआ है। और भोपाल ही नहीं प्रदेश में ये एक सामाजिक धरोहर, समाज के लिए अमूल्य धरोहर। साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना है। समाज को राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। समाज जितना सशक्त होगा राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम से समाज के लोगों को आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। इस अवसर पर साहू समाज ने समाज का गीत भी गाया। जिला साहू समाज भोपाल के द्वारा ये भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। इसकी भूमि का आवंटन माननीय दिव्य सिंह ने किया था और माननीय ओम प्रकाश जी साहू के नेतृत्व में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था जो अब कंप्लीट हुआ है और इसको लोकार्पण किया जा रहा। हमारा जिला साहू समाज भोपाल पूरे प्रदेश के जिलों का एक मॉडल जिला है। हमारा पूरा प्रादेशिक संगठन साहू समाज के राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयासरत है ताकि समाज को हम राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ सकें। सिंधी समाज के ईष्ट देव भगवान झूलेलाल चालिया पर्व सिंधी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 40 दिनों तक सिंधी समाज के लोगों ने इस मौके पर उपवास रखा। संतनगर में झूलेलाल चालिया पर्व का समापन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। झूलेलाल मंदिर समिति के सदस्य पुरुषोत्तम हरचंदानी ने सभी को शॉल से सम्मानित किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। यात्रा संतनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई भोपाल के शीतलदास की बगिया में संपन्न हुई। वहीं झूलेलाल चालिया समिति ने भी संत नगर के सभागार में कार्यक्रम किया जहां सुख सागर आश्रम के महंत बाबा रामदास उदासी गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। झूलेलाल चालिया समिति के साबू रिजवानी ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। धोनी जयपुर एयरपोर्ट पर दिखाई दिए एकदम आर्मी मैन की तरह। धोनी इस बार एक अलग ही कमांडो लुक में अपने फैंस के सामने आए।
धोनी आर्मी कमांडो की तरह सिर पर काले रंग का कपड़ा पहने दिखे। धोनी इसी अंदाज में एक होटल में रुके और इसी अंदाज में शाम की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। धोनी का जयपुर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। धोनी ने पीठ पर बैग लटकाया हुआ था, वे मुस्कुराए, प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। हाल ही में धोनी जम्मू और कश्मीर में सेना में अपनी ट्रेनिंग के दौरान फौज की वर्दी में दिखे और इसके बाद वे इस अलग ही अंदाज में नजर आए। धोनी ने मिलिट्री कलर की टी शर्ट, ब्लैक पैंट और सिर पर पटका बांधा हुआ था।